This is Sarabjit Singh. Hey guys, this is Sarabjit Singh and I welcome to you all on your own YouTube channel Free Visa Advisor. और दोस्तों Free Visa Advisor आप लोगों के लिए लेकर आता है सच्ची खबरें. और बहुत दिनों से आप लोगों से कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं की थी, तो वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ पोलैंड के लेकर और माल्टा को लेकर वर्क परमिट को लेकर स्पेशली मैं काम कर रहा था, तो जिस कारण से मैं यहाँ के अपडेट नहीं दे पा रहा था. लेकिन अभी इस अपडेट के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है. आपको अगर जाना ही है तो कनाडा ही जाइए, क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत लेबर की ज़रूरत है. क्योंकि बहुत अभी जितना भी टाइम गुजरा है, जब कोरोना था, कोरोना के दौरान जितना भी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, उस इकोनॉमी के नुकसान के कारण अभी जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम ओपन किए जा रहे हैं. सीन फ्रेजर ने बहुत सारे प्रोग्राम, सीन फ्रेजर जो कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम ओपन किए हैं. उन प्रोग्राम के दौरान आप अपने अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से अच्छी जॉब के लिए, और बहुत ज़्यादा स्किल और अनस्किल दोनों प्रकार के लोगों के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है. और मुझे लगता है कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कनाडा सरकार का ये कदम बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इकोनॉमी को बढ़ाना तो वहाँ पे लेबर क्लास जितनी ज़्यादा जाएगी, जितना वर्क स्किल्ड वर्कर जाएंगे, उतना ही उस इकोनॉमी को फ़ायदा होगा. तो इन्हीं सब जद्दोजहद के बीच में जो अभी सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हुए हैं, बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश की जा रही है. और इसके अलावा बैकलॉग के अंदर जितने भी फॉल्ट थे, यानी कि कमियां थी कि उसमें तेजी नहीं आ रही थी, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, वो रिजल्ट्स अब तेज हुए हैं. जैसे स्पाउस ओपन वीज़ा के बारे में अभी कल ही 500 जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे कुछ हलचल दिखाई दी है, और उस हलचल के कारण अब जल्दी से जल्दी बैकलॉग क्लियर होने की स्थिति आ सकती है. तो इन्हीं शब्दों के साथ यूट्यूब के ऊपर फ्री वीज़ा एडवाइज़र को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी गुड न्यूज़ के साथ, गुड अपडेट के साथ फ्री वीज़ा एडवाइज़र टाइम टू टाइम हाजिर होता रहेगा. और इन्हीं शब्दों के साथ सी यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट वीडियो तक. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see.